Good morning, class 10 students. This is KD sir from Shivam Education. Gujarat board has come out with an excellent news for those students who are afraid of maths, who always run away from maths, right? Today, Gujarat board has declared for class 10 students that they can opt for an easier mathematics paper, either basic or standard maths. ये दो में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? अब बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स ये आपको चूज करना है जब आप फॉर्म भरते हैं. नाउ ये दो पेपर में सबसे पहले बेसिक होगा और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड होगा. अभी ये बेसिक मैथ्स पेपर और स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर है क्या? बेसिक मैथ्स पेपर उन लोगों को टारगेट किया है जो लोग मैथ्स से घबराते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मुझे आगे जाकर मैथ्स नहीं लेना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे ये मतलब अदर देन साइंस स्ट्रीम, राइट? तो वो जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मैथ्स को थोड़ा इजियर बनाना है और सो दैट दे कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड इन देयर कैरियर. एंड दिस इज अ वेरी वेरी नाइस मूव बाय गवर्नमेंट. ये जो डिसीशन था वो एक दिन दो दिन का नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट ने एक कमिटी रचाई थी, उन कमिटी को इसके बारे में रिव्यू करने का बोला, एनालाइज करने का बोला. उन्होंने ये रिव्यू किया कि हर साल 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स सिर्फ मैथमेटिक्स में फेल होते हैं और उन 4 लाख स्टूडेंट में से मैक्सिमम लोग अपना एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करते हैं और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है. गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन सब्जेक्ट they do not discontinue. अब दूसरी बात भी है, students who opt for mathematics, basic mathematics, will not be able to take up class 11 in science stream. ये बहुत ध्यान रखना. अगर आपने एक बार चूज कर लिया कि आप बेसिक मैथमेटिक्स में जाओगे, आपके रिजल्ट आ जाने के बाद अगर आपने ऐसा सोचा कि आपको साइंस लेना है तो ये नहीं हो सकता है. हाँ, इसके लिए भी एक सॉल्यूशन लाया है गवर्नमेंट. आपको जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम्स के बाद, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है वो आपको फिर से देनी पड़ेगी और आपको वो स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ पास करके दिखाना पड़ेगा सो दैट यू कैन गो फॉर साइंस स्ट्रीम, राइट? नाउ देयर आर मेनी रिव्यूज. मैं भी आप लोगों से भी रिव्यू एक्सपेक्ट करता हूँ, आपके सजेशन एक्सपेक्ट करता हूँ, क्या ये सही है कि गलत है, बराबर आपका कहना क्या है. और एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो डबल मैथमेटिक्स है, ये जो टू लेवल मैथमेटिक्स है, ये 27 साल पहले भी था. बिफोर 27 इयर्स देयर वर टू लेवल्स ऑफ मैथमेटिक्स. फिर 1994 से उन्होंने इसको सिंगल लेवल में कर दिया, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया. लेकिन फिर से ये जो रिजल्ट्स इस तरह के आने लगे हैं, इन रिजल्ट्स को रोकने के लिए और बच्चों की पढ़ाई ना बिगड़े, इस बात के लिए गवर्नमेंट ये डिसीजन लेकर आई. एंड अनदर थिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी सपोर्ट करना था. दैट इज द रीजन वी हैव कम आउट और द गवर्नमेंट हैज कम आउट विद दिस डिसीजन. नाउ अबाउट माय रिव्यू, राइट? मेरा मानना ऐसा है कि मैथमेटिक्स में कोई लेवल नहीं होता है. मैथमेटिक्स इज कंसर्न विद प्रैक्टिस. अगर हम सिस्टम चेंज करें, हमारा टीचिंग मेथड चेंज करें, हमारे जो टीचर्स हैं उनको थोड़ा ट्रेनिंग दें, तो मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. मैथमेटिक्स बच्चों का आईक्यू लेवल इम्प्रूव करता है, राइट? बच्चों को सिर्फ सिलेबस पढ़ाया जाए, बच्चों को सिर्फ मार्क्स स्कोरिंग के लिए पढ़ाया जाएगा तो बच्चे मैथ से डरेंगे. एंड दैट्स द रीजन दे हैव कम आउट विद दिस टाइप ऑफ डिसीजन, राइट? एनी हाउ इट्स अ गुड डिसीजन, एनी हाउ इट्स अ गुड न्यूज फॉर दोस हु वेयर afraid of maths. So just chill और बहुत अच्छी तरह से पढ़िए. बराबर best of luck for your board exams. Keep going. और please do not forget to write your review or comments in the comment box. Okay? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं कि ये news, ये good news सारे बच्चों को पहुँचाए, तो please share करो इस वीडियो को. और अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को सो दैट वी कम आउट विद दिस टाइप ऑफ वीडियोस एंड न्यूज टू यू अगेन एंड अगेन. ओके, बेल आइकन प्रेस करना भूलना नहीं सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक.